हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट क्वेश्चन क्लास 8th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। फिफ्थ क्वेश्चन में दो पार्ट्स है, ए और बी। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द ईच इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अब ये कह रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या ये पॉसिबल है कि ये एक रेगुलर पॉलीगन बन सकता है इसका। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर अगर एंगल्स रखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि ये एक रेगुलर पॉलीगन्स का एंगल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है। तो देखो, पहला ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें इच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 होता है। ये तो पता ही है कि इच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 22 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल में 22 को डिवाइड करना होता है ना, टोटल जो सम है उसको, और इसमें से जो फर्स्ट डिग्री का है तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा और ये हो गया 180। अब 180 अपॉन में 11 ये क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो साइड्स का भी पॉइंट्स में हो सकता है, कभी नहीं होगा, नेवर। यानी इसको डिवाइड करने के बाद एक कंप्लीट डिजिट आए, या तो 10 आए या 12 आए या 15 आए या 16 आए, लेकिन जैसे ही अगर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स में आएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो लिखोगे क्या, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो गया। अब अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ठीक है, लिखो बी। अब बी सॉल्व करने जा रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 22 डिग्री है, सो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, क्या बताया था, 180 में से 22 को माइनस कर देंगे, 158 डिग्री हो गया है ना, इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 158 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अब इंटीरियर एंगल दे रखा है, सॉरी, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी में कि अगर एक्सटीरियर एंगल को 22 अगर हम इंटीरियर एंगल बना देते हैं, ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल 180 ये आ गया। अब इसका भी नंबर ऑफ साइड्स निकाल देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स यही होता है ना कि टोटल प्लस कितना है, यहां पे है ना सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, इसका भी ऐसे लिखना कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 है, तो 360 अपॉन में 158, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 180 आएगा, ये भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 9 हो गया है ना, तो अब ये हो गया 180 अपॉन में 79, इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, तो जब डेसिमल में होगा तो नंबर ऑफ साइड पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर कंप्लीट डिवाइड करने के बाद अगर कंप्लीट आंसर आता है तभी हम नंबर ऑफ साइड्स उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका आंसर करेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल में साइड्स आएगा तो उसको हम पॉलीगन्स नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसमें भी लिखोगे क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का ए और बी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6th के बारे में बात करें, तो 6th के इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो। 6th में बोल रहा है
ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सिक्स में बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन्स। कह रहे कि ये मिनिमम रेगुलर पॉलीगन्स का जो इंटीरियर एंगल है वो कितना हो सकता है। तो मिनिमम रेगुलर पॉलीगन्स के साइड्स कितने हो सकते हैं, लिखोगे मिनिमम साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स कितना होगा, थ्री होगा, थ्री से कम होगा ही नहीं। टू से पॉलीगन्स बन सकता है, नहीं बन सकता। टू अगर हम साइड दे दे तो इसका पॉलीगन्स बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा जब तक ये थर्ड नहीं इंक्लूड होता। अब ये थ्री साइड्स हो गया, अब रेगुलर पॉलीगन्स थ्री साइड्स इक्वल्स टू क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, यानी कि वैसे एंगल जिसमें, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल क्या होता है, अब लिखोगे वी नो दैट ईच ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ, ईच एंगल ऑफ रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ ट्रायंगल, या रेगुलर, या ईच एंगल ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, इक्वलेटरल डाल देता हूं, बात वही हुआ ना, इक्वलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू ईच एंगल ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल। ठीक है, सारे इक्वल होते हैं इसके, तो जब सारे एंगल इक्वल होंगे तो फिर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है। ये तो हमें पता ही है, वी नो दैट भी लिख सकते हो इसके साथ, ऐड कर देना, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। तो अगर हम एक एंगल को x मान लेते हैं तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर लिख देना, ठीक है, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180, इसलिए 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में, इसलिए x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन में 3, कटेगा तो 60 डिग्री हो गया। तो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल्स है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब ये ए का आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, ए का आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो लिखोगे क्या कि मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो मैक्सिमम क्या होगा, सो और बी का आंसर हो जाएगा, सो मैक्सिमम एक्सटीरियर, ये देखो ये सब इसमें है, ठीक है, और तो सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल 60, तो 120 डिग्री होगा। तो ये आपका मिनिमम एक्सटीरियर एंगल 120 हो गया और इंटीरियर एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज
लिखकर और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।